नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको वो प्रेम कहानी सुनाऊंगी जो प्रेम कहानी सुनकर आप कहेंगे कि कोई ऐसी भी कहानी होती है क्या, ऐसा भी कोई हमारा इतिहास था क्या, एक राजपुतानी इतनी बेखौफ और इतनी दीवानी होती है क्या। रानी पद्मावती की, रानी पद्मावती की मोहब्बत की, उनके जौहर की कहानी हमने सुनी जानी, पर एक आज मैं आपको वो हकीकत बताने वाली हूँ और इसका क्रेडिट और इस पेज का नाम है क्षत्रिय होना गर्व है। उनसे ये स्टोरी हमें प्राप्त हुई है तो मैं उन स्टोरी का उनको क्रेडिट देती हूँ, चाहे उन्होंने इसकी खोज की हो। लेकिन ऐसे कई ऐसे मैसेजेस और रिक्वेस्ट पे कंफर्मेशन आया कि वो चाहते हैं कि हम स्टोरी को हम अपने शब्दों में सुनाएं। तो ये कहानी वाकई में बहुत ही रोमांचक है। ये हमारे एक इतिहास का पन्ना है। वीरांगना हाड़ी रानी छत्राणी को कोटि कोटि नमन। हाड़ी रानी सलुम्बर के सरदार राव रतन सिंह चुड़ावत की पत्नी थी। दोस्तों, शादी को महज एक सप्ताह हुआ था। ना हाथों की मेहंदी छूटी थी और ना ही पैरों का आलता। सुबह का समय था, हाड़ा सरदार गहरी नींद में थे। रानी सज धज कर राजा को जगाने आई। उनकी आंखों में नींद की खुमारी साफ झलक रही थी। रानी ने हंसी ठिठोली से उन्हें जगाना चाहा। इसी बीच दरबान आकर वहां खड़ा हो गया। राजा का ध्यान न जाने पाए जाने पर रानी ने कहा, महाराणा का दूत काफी देर से खड़ा है, वह ठाकुर से तुरंत मिलना चाहते हैं। आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाया है, उसे अभी देना जरूरी है। असमय में दूत के आगमन का समाचार। ठाकुर हक्का बक्का रह गए। वे सोचने लगे कि अवश्य कोई विशेष बात होगी। राणा को पता है कि वह अभी ही ब्याह करके लौटे हैं, आपात की घड़ी ही हो सकती है। उसने हाड़ी रानी को अपने कक्ष में जाने को कहा। दूत को तुरंत लाकर बिठाओ, मैं नित्य क्रम से शीघ्र ही निपट कर आता हूँ, हाड़ा सरदार ने दरबार से कहा। सरदार जल्दी जल्दी में निर्वृत होकर बाहर आए। सहसा बैठक में बैठे राणा के दूत पर अपनी निगाह उसकी निगाह जा पड़ी। औपचारिकता के बाद ठाकुर ने इस दूत से कहा, अरे शार्दुल, तू इतनी सुबह कैसे, क्या भाभी ने घर से खदेड़ दिया है, सारा मजा फिर किरकिरा कर दिया। सरदार ने फिर दूत से कहा, तेरी नई भाभी अवश्य तुम पर नाराज होकर अंदर गई होगी। नई नई है ना, इसलिए बेचारी कुछ नहीं बोली। ऐसी क्या आफत आ पड़ी, दो दिन तो चैन की बंसी बजा लेने देते भाई, मियां बीवी के बीच में क्यों कबाब में हड्डी बनकर आ बैठे हो। अच्छा बोलो, राणा ने मुझे क्यों याद किया है, वह ठहाका मार कर हंस पड़ा। दोनों में गहरी दोस्ती थी। सामान्य दिन अगर होते तो वो भी हंसी में जवाब देता। शार्दुल खुद भी बड़ा हंसोड़ था, वह हंसी मजाक के बिना एक क्षण को भी नहीं रह सकता था। लेकिन वह बड़ा गंभीर था उस वक्त। दोस्त हंसी छोड़ो, सचमुच बड़ी संकट की घड़ी आ गई है, मुझे भी तुरंत वापस अभी इसी वक्त लौटना है। यह कहकर सहसा वह चुप हो गया। इस अपने इस मित्र के विवाह में बाराती बनकर गया था। उसके चेहरे पर छाई गंभीरता की रेखाओं को देखकर हाड़ा सरदार का मन आशंकित हो उठा। सचमुच कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है। दूत संकोच रहा था इस समय राणा की चिट्ठी वह मित्र को दे या नहीं। हाड़ा सरदार को तुरंत युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निर्देश लेकर वह लाया था। उस मित्र के शब्द स्मरण हो रहे थे। हाड़ा के पैरों के नाखूनों में लगे महावर की लाली के निशान अभी भी वैसे के वैसे उभरे हुए थे। नव विवाहित हाड़ी रानी के हाथों की मेहंदी भी तो अभी सूखी ना होगी। पति पत्नी ने एक दूसरे को शायद ठीक से देखा क्या, दूर पहचाना भी नहीं होगा। कितना दुखदाई होगा इसका उनका विछोह। यह स्मरण करते ही वह सिहर उठा। पता नहीं युद्ध में क्या हो, वैसे तो राजपूत मृत्यु को खिलौना ही समझता है। अंत में जी कड़ा करके उसने हाड़ा सरदार के हाथों में राणा राज सिंह के पत्र को थमा दिया। राणा का उसके लिए संदेश था, वीरवर अविलंब अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। मुसलमान सेना उसकी सहायता को आगे बढ़ रही है। इस समय औरंगजेब को मैं घेरे हुए हूँ। उसकी सहायता को आगे बढ़ रही फौज को कुछ समय के लिए उलझा कर रखना है ताकि वह शीघ्र ही आगे न बढ़ सके। तब तक मैं पूरा काम निपटा लेता हूँ। तुम इस कार्य को बड़ी कुशलता से कर सकते हो, यद्यपि यह बड़ा खतरनाक है, जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है। मुझे तुम पर भरोसा है दोस्त। हाड़ा सरदार के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। बहुत मुश्किल वक्त था। एक ओर मुगलों के विपुल सेना और उसकी सैनिक टुकड़ी अति अल्प है। राणा राज सिंह ने मेवाड़ के छीने हुए क्षेत्रों को मुगलों के चुंगल से मुक्त करा लिया था। औरंगजेब के पिता शाहजहां ने अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगा दी थी। और इतना ही नहीं, वह चुप होकर बैठ गया था। अब शासन की बागडोर औरंगजेब के हाथों में आई थी। राणा से चारुमती के विवाह ने उसकी द्वेष भावना को और भी भड़का दिया था। इसी बीच में एक बात और हो गई थी कि जिसने राजा सिंह और औरंगजेब को आमने सामने लाकर खड़ा कर
कर दिया था। तो दोस्त, यह संपूर्ण हिंदू जाति का अपमान था। इस्लाम को कबूल करो या हिंदू बने रहने का दंड भरो, यही कहकर हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगाया था। राणा राज सिंह ने इसका विरोध किया था, उनका मन भी इसे सहन नहीं कर रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि कई अन्य हिंदू राजाओं ने उसे अपने यहां लागू करने में आनाकानी की। उनका साहस बढ़ गया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकने की अग्नि जो मंद पड़ गई थी फिर से प्रज्वलित हो गई थी। दक्षिण में शिवाजी, बुंदेलखंड में छत्रसाल, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह और मारवाड़ में राठौर वीर दुर्गादास मुगल सल्तनत के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। और यहां तक कि अमेर के मिर्जा राजा जयसिंह और मारवाड़ के जसवंत सिंह, जो मुगल सल्तनत के दो प्रमुख स्तंभ थे, उनमें भी स्वतंत्रता प्रेमियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी। मुगल बादशाह ने एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। राणा राज सिंह ने सेना के तीन भाग किए थे। मुगल सेना के अरावली में ना घुसने देने का दायित्व अपने बेटे जयसिंह को सौंपा था। अजमेर की ओर से बादशाह को मिलने वाले सहायता को रोकने का काम दूसरे बेटे को सौंपा था, जिनका नाम था भीम सिंह। वे स्वयं अकबर और दुर्गादास राठौड़ के साथ औरंगजेब की सेना पर टूट पड़े थे। सभी मोर्चों पर उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। बादशाह औरंगजेब की बड़ी प्रिय कॉकेशियन बेगम बंदी बना ली गई थी। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार औरंगजेब प्राण बचाकर निकल सका था। मेवाड़ का महारानी की यह जीत ऐसी थी उनके जीवन काल में फिर कभी औरंगजेब उनके विरुद्ध सिर न उठा सका था। लेकिन क्या इस विजय का श्रेय केवल राणा को था या और किसी और को? हाड़ा रानी और हाड़ा सरदार को किसी भी प्रकार से गम नहीं था। मुगल बादशाह जब चारों ओर राजपूतों से घिर गए, उसकी जान के भी लाले पड़े थे। उसका बचकर निकलना मुश्किल हो गया था। तब उसने दिल्ली से अपनी सहायता के लिए अतिरिक्त सेना बुलवाई थी। राणा को यह पहले ही ज्ञात हो चुका था कि उन्होंने मुगल सेना के मार्ग में रोध उत्पन्न करने के लिए हाड़ा सरदार को पत्र लिखा था। वही संदेश लेकर शार्दुल सिंह मित्र के पास पहुंचा था। एक क्षण का भी विलंब ना करते हुए हाड़ा सरदार ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दे दिया था। अब और एक मुश्किल की घड़ी थी। वह पत्नी से अंतिम विदाई लेने के लिए उसके पास पहुंचा था। केसरिया बाना पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाड़ा रानी चौंक पड़ी। वह अचंभित थी, कहां चले स्वामी इतनी जल्दी? अभी तो आप कह रहे थे कि अब कई 4-6 महीनों तक युद्ध से फुर्सत मिली है, आराम से कटेगी, यह क्या? आश्चर्य मिश्रित शब्दों में हाड़ी रानी पति से बोली, प्रिय, पति के शौर्य और पराक्रम को परखने के लिए ही तो छत्रियां इसी दिन का इंतजार करती है, इसी दिन का प्रतीक्षा करती है। वह शुभ घड़ी अभी आ गई है। देश के शत्रुओं से दो दो हाथ होने का अवसर मिला है। मुझे यहां से अविलंब निकलना है। हंसते हंसते मुझे विदा दो, पता नहीं फिर कभी भेंट हो या ना हो। हाड़ा सरदार ने मुस्कुरा कर पत्नी से कहा। हाड़ा सरदार का मन आशंकित था। सचमुच यदि ना लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? एक ओर कर्तव्य और दूसरी ओर था पत्नी का मोह। इसी अंतर्द्वंद में उनका मन फंसा था। उसने पत्नी को राणा राज सिंह के पत्र के संबंध में पूरी बात विस्तार से बता दी थी। विदाई मांगते समय पति का गला भराया और हाड़ी राजी की तेज आंखों से छिपा न रह सका। यद्यपि हाड़ा सरदार ने उसे भरसक छिपाने की पूरी कोशिश की, हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। उस वीर बाला को यह समझते देर न लगी कि पति रणभूमि में तो जा रहा है पर मोहग्रस्त होकर जा रहा है। पति विजय श्री प्राप्त करे इसके लिए उसने कर्तव्य की वेदी पर अपने मोह की बलि दे दी। वह पति से बोली, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आई। वह दौड़ी दौड़ी अंदर गई, आरती की थाल सजाया, पति के मस्तक पर टीका लगाया और उसकी आरती उतारी। वह पति से बोली, मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर। हमारा आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। राजपूत रमणियां इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती हैं। आप जाए स्वामी, मैं विजय माला लिए द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। उसने अपने नेत्रों में उमड़ते हुए आंसुओं को पी लिया था। पति को दुर्बल नहीं करना चाहती थी रानी। चलते चलते पति उससे बोला, प्रिय, मैं तुमको कोई सुख ना दे सका, बस इसका ही दुख है। मुझे भूल तो नहीं जाओगी यदि मैं ना रहा तो?
उसके वाक्य पूरे भी ना हो पाए थे कि हाड़ी रानी ने उसके मुख पर हथेली रख दी। ना ना स्वामी, ऐसी अशुभ बातें ना बोलो, मैं वीर राजपूतनी हूँ, फिर वीर की पत्नी भी हूँ, अपना अंतिम धर्म अच्छी तरह जानती हूँ। आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें, देश के शत्रुओं को के दांत खट्टे करें, यह मेरी प्रार्थना है। हाड़ा सरदार ने घोड़े को की एड़ लगाई, रानी उसे एक टक निहारती रही जब तक वह आंखों से ओझल ना हो गया। उसके मन में दुर्बलता का जो तूफान छिपा था, जिसे अभी तक उसने बरबस रोक रखा था, वो आंखों से बह निकला। हाड़ा सरदार अपनी सेना के साथ हवा से बातें करते उड़ा जा रहा था, किंतु उसके मन में रह रहकर बात यही आ रही थी, कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे बिसर तो ना देगी, कहीं मुझे भूल तो नहीं जाएगी। वह मन को समझाता रहा, उसका ध्यान उधर ही चला जाता, अंत में उससे रहा ना गया। उसने आधे मार्ग से अपने विश्वस्त सैनिकों की रानी के पास भेजा, उसको फिर से स्मरण कराया था कि मुझे भूलना मत, मैं जरूर लौटूंगा। संदेश वाहक को आश्वस्त कर रानी ने फिर लौटाया। दूसरे दिन एक और वाहक आया, फिर वही बात पूछा कि आप राजा को भूल तो नहीं जाओगे। तीसरे दिन फिर एक और सैनिक आया कि आप राजा को भूल तो नहीं जाओगे। इस बार वह पत्नी के नाम सरदार का पत्र आया था। प्रिय, मैं यहाँ शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ, अंगद के समान पैर जमा कर उनकी रोक लगा के बैठा हूँ। मजाल है कि वे जरा भी आगे बढ़ जाए, यह तो तुम्हारे रक्षा कवच का प्रताप है, पर तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। पत्र वाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना, और ये जरूर कहना कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी। उसे ही देखकर मैं मन को हल्का कर लिया करूंगा। हाड़ी रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धरथ पति का मन यदि मेरी याद में ही रमा रहा, तो उनके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा, तो वो शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे, विजय श्री का वरण कैसे करेंगे। उसके मन में एक विचार कौंधा। वह सैनिक से बोली, वीर मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे ले जाकर उन्हें दे देना। थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर अपने वीर सेनापति के पास पहुंचा देना, किंतु याद रखना इसे कोई और न देखे, वे ही खोल कर देखे। साथ में मेरा यह पत्र भी देना। हाड़ी रानी के इसके पत्र में लिखा था, प्रिय मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को आज मैं हमेशा हमेशा के लिए काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें, मैं तो चली स्वर्ग में तुम्हारी बात जो होंगी। पलक झपकते ही हाड़ी रानी ने अपने कमर से तलवार निकाल कर एक झटके में अपने सिर को उड़ा दिया। वह धरती पर लुढ़क पड़ी। सिपाही के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाड़ रानी के कटे सिर को सजाया, सुहाग में के चुनर से उसको ढका, भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार स्तब्ध रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि उसके नेत्रों से अश्रुधारा क्यों बह रही है। धीरे से वो बोला, क्यों यदु सिंह, रानी की निशानी ले आए। यदु ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ा सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर, कटा हुआ सिर देखता रह गया। उसके मुख से केवल इतना निकला, उफ हाय रानी, तुमने यह क्या कर डाला, संदेही पति को इतनी बड़ी सजा दे डाली। खैर मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मुंह के सारे बंधन टूट चुके थे, वह शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं ही बढ़ने दिया जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था। इस विजय को का श्रेय किसको जाता है, राणा राजसिंह को, या हाड़ा सरदार को, या हाड़ी रानी को, अथवा उसकी इस अनोखी निशानी को, या इस प्रेम कहानी को। यतेंद्र सिंह हाड़ा, ठिकाना पदमपुरा, कोटा राजस्थान का ये पूरा वाक्य था। सलुम्बर के राव चुंडावत रतन सिंह के लिए हाड़ा शब्द का प्रयोग उचित प्रतीत नहीं होता है। हाड़ी रानी को संभवतः बूंदी के हाड़ा शासकों की पुत्री होने के कारण हाड़ी रानी कहा गया है। तो दोस्तों, चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी। सरदार चुंडावत थे और रानी बूंदी के हाड़ा शासक की पुत्री थी, इसलिए रानी को हाड़ी रानी कहा जाता है, जबकि सरदार चुंडावत कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये वो प्रेम कहानी थी जो अमर है। रानी ने अपने पति के कर्तव्य में कभी रोड़ा बनना मंजूर नहीं था। उसका पति कमजोर ना पड़े, युद्ध से पहले कहीं पत्नी और प्रेम के मोह के जाल में फंसकर कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए रानी ने अपना सर काट कर खुद ही दे दिया। और एक संदेह जो बार बार राजा को सता रही थी कि कहीं धांगनी उन्हें भूल तो नहीं जाएगी, इस डर और संदेह से कि कशमकश से मुक्त करने के लिए रानी ने अपना गर्दन अलग कर दिया। ये कैसी प्रेम कहानी है,
ये कैसी दीवानगी है। आप कमेंट सेक्शन में ये सुझाव मुझे जरूर दीजिएगा और चैनल पे यूं ही बने रहें, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और अपना सपोर्ट सनातन परिवार को अपनी क्षमता अनुसार देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।